साल 2023 में एसिड नामी एक फ्रेंच फिल्म रिलीज की गई। कहानी में ग्लोबल वार्मिंग का एक भयानक पहलू दर्शाया गया है। क्या होगा जब आसमान से पानी के बजाय तेजाब बरसने लगेगा, ये जानेंगे इस कहानी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की कहानी शुरू होती है फ्रांस से, जहां हम एक वीडियो फुटेज दिखाई जाती है स्ट्राइक की, जहां एक फैक्ट्री में हादसा हो चुका था। उस हादसे में कई मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए थे। फैक्ट्री के बाकी कर्मचारी इंसाफ मांगने के लिए फैक्ट्री के मालिक के पास आते हैं। वो इस सब की जिम्मेदारी नहीं लेता, बात बिगड़ जाती है। कर्मचारी हाथापाई और तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। यहाँ तक के पुलिस से भी इनकी झड़प हो जाती है। माइकल की गर्लफ्रेंड कैरन भी इस फैक्ट्री हादसे का शिकार बन गई थी, इसलिए गुस्से में आकर वो एक पुलिस वाले को बुरी तरह से पीटता है। उसकी ये फुटेज रिकॉर्ड हुई, जिस वजह से माइकल को जेल में डाल दिया गया। उसे रिहाई तो मिल गई, मगर कुछ महीनों के लिए उसे घर से जाने की इजाजत नहीं थी। उसके पैर पर एक डिवाइस लगाई गई थी। माइकल का डिवोर्स हो चुका था। एक्स वाइफ का नाम एलिस था और इन दोनों की एक बेटी थी सेल्मा, जो अपने माता पिता के तलाक से बहुत ज्यादा परेशान थी। माइकल अब कैरन से प्यार करता था, जिसके पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे उस फैक्ट्री हादसे में। इन दिनों सेल्मा की जिम्मेदारी एलिस की है। सेल्मा बोर्डिंग स्कूल में थी, जहाँ उसे हॉर्स राइडिंग का शौक था। ऐसे ही एक दिन जब वो हॉर्स राइडिंग के क्लास में थी, तो वो कुछ बच्चों को देख लेती है जो उसके पिता की वो वायरल वीडियो देखकर हंस रहे थे। सेल्मा को गुस्सा आ जाता है और वो उनमें से एक पर हमला कर देती है। उसके चेहरे पर घोड़े का वेस्ट लगाकर सबके सामने बेइज्जत करती है। इसके बाद एलिस को बुलाया जाता है। प्रिंसिपल से बात करने के बाद भी एलिस को अपनी बेटी सेल्मा की बहुत फिक्र थी। हालांकि सेल्मा को स्कूल से तो नहीं निकाला जाता। सेल्मा काफी दुखी और चिड़चिड़ी सी हो गई थी। उसके पिता घर में ही होते थे, तो वो अपनी माँ से कहती है कि आज रात मुझे पिताजी के पास जाना है। माइकल के यहाँ सेल्मा न्यूज में देखती है कि लैटिन अमेरिका में हजार गुना ज्यादा तेजाबी बारिश हो रही है, हजारों जानवर मर चुके हैं। ये प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, और जल्द ही ये बारिश यूरोप आने का भी खतरा था। उसके पिता यानी माइकल उसे इस तरह की खबरें ना देखने की सलाह देता है। खैर, अगले दिन वो वापस से अपने माँ एलिस के घर आई। उस दिन बारिश हो रही थी। सेल्मा के कमरे की खिड़की खुली रह गई, जिससे कुछ पानी अंदर आ चुका था। एलिस फर्श पर टॉवल बिछाती है ताकि पानी सूख जाए, लेकिन कुछ ही देर बाद हम दर्शकों को ये दिखाया जाता है कि उस टॉवल का रंग बदल रहा है। वो इसलिए क्योंकि बारिश के उस पानी में तेजाब की कुछ मात्रा थी। अगले दिन बारिश नहीं हुई, लेकिन आसमान बादलों से भरा हुआ था। देश में अलग अलग जगहों पर अचानक से तेजाबी बारिशें होने की खबरें चल रही थी, जिसमें बहुत से लोगों के साथ साथ कई जानवर भी घायल हो चुके थे, इसलिए लोग लगातार न्यूज देख रहे थे। माइकल अपने काम पर गया था, जहां उसका ध्यान जमीन पर जाता है। जमीन गीली और छिपचिपी थी, जो उसे अजीब लगा। एलिस भी अपने काम पर जा चुकी थी, वो एक नर्स थी और सेल्मा गई थी अपने स्कूल। तो दोपहर को सभी को कुछ न्यूज अलर्ट्स मिलती है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि इस इलाके में बारिश की संभावना है, तो सभी लोगों को घरों के अंदर रहना होगा। एलिस माइकल को कॉल करती है, वो परेशान थी और बारिश शुरू होने से पहले ही वो सेल्मा को स्कूल से लाना चाहती थी, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के सेल फोन ले लिए गए थे, इसलिए एलिस उसे कॉल नहीं कर पाती। समय बहुत कम था। एलिस की कार गैराज में थी, इसलिए माइकल अपनी कार लिए पहले तो एलिस के पास जाता है। दोनों मिलकर स्कूल जाते हैं, मगर वहाँ इन्हें पता चला कि बच्चे घुड़सवारी के लिए जंगल की तरफ गए हैं और बच्चे अपना फोन वहीं छोड़कर गए हैं। ये दोनों जल्दी से जंगल की तरफ बढ़ते हैं, मगर रास्ते में ट्रैफिक जाम था। वो इसलिए क्योंकि हर कोई अपने बच्चों को बचाना चाहता था, और जब वो उन्हें स्कूल में ना मिले तो उन्होंने भी जंगल का रुख किया। पुलिस वाले उन्हें आगे नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि आसमान में काले बादल छाए हुए थे। माइकल को अपनी बेटी की चिंता थी, इसलिए वो सड़क से उतर जाता है। जंगल के करीब पहुंचकर उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी और वो गाड़ी छोड़कर पैदल ही जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि सेल्मा घुड़सवारी में इतनी अच्छी नहीं, इसलिए वो बाकी बच्चों से पीछे रह जाती है। सेल्मा के करीब कुछ बूंदे गिरती है, जमीन पर जो लकड़ियां थी वो जलने लगी, वो घोड़ों को भी घायल करने लगी। घोड़े डर के मारे भागने लगते हैं और सेल्मा को गिरा देते हैं।
माइकल अपनी बेटी को ढूंढते हुए अस्तबल में पहुंच गया। वो सेल्मा की तलाश कर रहा था जो उसे नहीं मिल रही थी और वहां खड़े घोड़े काफी घबरा गए थे। माइकल बाहर की तरफ भागता है और सेल्मा भी इसी ओर आ रही थी, इसीलिए बाप बेटी एक दूसरे को मिल गए। खुशकिस्मती से दोनों जल्दी से अस्तबल में आ जाते हैं और इसके तुरंत बाद ही बारिश शुरू हो गई। छत के छेदों से कुछ बूंदे टपक रही थी, ये पानी नहीं बल्कि तेजाब था, इसलिए वो जमीन को जला रही थी और ये उन्हें साफ साफ नजर आ रहा था। माइकल एक कंबल ढूंढता है ताकि वो खुद को और सेल्मा को ढक सके। फोन अभी भी काम कर रहे थे इसलिए वो एलिस को अपना ठिकाना बता देता है। भारी तेजाबी बारिश की वजह से देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आखिरकार एलिस इमारत ढूंढकर गाड़ी वहां खड़ी कर दी थी है ताकि माइकल और सेल्मा अंदर आ सके। वो सड़क पर तो लौट आए लेकिन तभी उन्हें चीखों पुकार सुनाई दे दी है। एसिड की वजह से लोग जल रहे थे, रास्ता फिर से जाम हो चुका था, गाड़ियों का पेंट उतर रहा था। जब एलिस को रास्ता मिलता है तो वो गाड़ी दाहिने ओर मोड़ देती है, लेकिन हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थी। एक आदमी इनकी गाड़ी में घुसने की कोशिश भी करता है जिसका चेहरा जल गया था, मगर नेक दिल माइकल उसे लात मारकर बाहर फेंक देता है और दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। रास्ता मिलते ही ये लोग तुरंत वहां से निकल गए। जो गाड़ियां इनके रास्ते में आती ने ये लोग धक्का देकर रास्ते से हटा देते। सेल्मा ये सब देखकर घबरा गई थी और छत पर पेंट का रंग बदलता देखकर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। कुछ समय के बाद ये बारिश थम जाती है, मगर इस इलाके में काफी तबाही हो गई थी, कई लोग मारे गए थे और बहुत कुछ नष्ट हो चुका था। ये परिवार एक सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट में रुकता है। ये खुद को और कार को ढकने के लिए ढेर सारे कपड़े और कंबल ले आते हैं। एलिस अपने भाई को कॉल करती है लेकिन वो इनकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया था। माइकल को अपनी गर्लफ्रेंड कैरन की चिंता थी, वो उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था मगर कॉल वॉइस मेल पर जा रही थी। अगले कुछ घंटे ये लोग गाड़ी चलाकर इसे देश से निकलने की कोशिश में लगे थे, जैसे कि बहुत से लोग कर रहे थे। शाम को कार में एसिड के नुकसान की वजह से आखिरकार खराबी आ ही जाती है। गाड़ी का पिछला दरवाजा बुरी तरह से जाम हो चुका था। अंदर से सेल्मा ही से खोल सकती थी, जो कई बार उस दरवाजे को लात मारती है। हर तरफ एसिड की बदबू थी, इसलिए माइकल उसे सांस लेने से भी मना कर रहा था। खैर दरवाजा खुल जाता है, सेल्मा बाहर आती है। गाड़ी बंद हो चुकी थी इसलिए ये लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं। शाम हो चुकी थी, ये एक इमारत में दाखिल हुए और ये देखकर सभी को बहुत बुरा लगता है कि यहाँ जन्मदिन के पार्टी की तैयारियां हो चुकी थी, मगर वो लोग जिन्होंने ये तैयारियां की थी वो कभी जन्मदिन को मना ही नहीं सके। एक बिल्ली भी अंदर घुस आई थी जो वहां पड़े खाने को खा रही थी। सेल्मा उस बिल्ली को हाथ में लेना चाहती थी मगर माइकल मना करता है कि इसे छो मत, शायद इसके बालों पर तेजाब हो। कुछ देर बाद माइकल का अपनी गर्लफ्रेंड कैरन से संपर्क हो जाता है। ये जानकर उसे खुशी हुई कि वो ठीक है, मगर सभी मरीजों को एक दूसरे लोकेशन पर ले जाया जा रहा था। बातों के दौरान ही सिग्नल चला जाता है और कॉल कट गई। माइकल जब पीने के लिए नल का पानी लेने जाता है तो उसे शक था कि शायद इस पानी में भी तेजाब हो सकता है, ये सुरक्षित है या नहीं कहना मुश्किल था। माइकल प्लास्टिक के एक बर्तन में पानी भरता है और बिल्ली के सामने रख देता है। अगर बिल्ली को कुछ हुआ इसका मतलब कि पानी सुरक्षित नहीं, जो कि काफी बुरा था क्योंकि माइकल एक बेचारी बिल्ली को चारा बना रहा था। और ये बात सेल्मा को अच्छी नहीं लगती, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत ही उस पानी को सिंक में बहा देती है। वहाँ फ्रिज में इन्हें पानी के कुछ बॉटल्स मिल जाते हैं। माइकल को वहाँ कुछ ऑयल भी मिला जिसे वो जूतों पर लगाने वाला था ताकि जूते एसिड की वजह से जल्दी पिघले ना, मगर बाद में उसे ये भी पता चलता है कि जिस बर्तन में उसने नल का पानी भरा था अब वो पिघल चुका है, जिसका मतलब कि नल वाला पानी सुरक्षित नहीं। अब इनके पास पीने के लिए बस शराब ही थी और इस पार्टी के लिए लाया गया कुछ खाना। सेल्मा को चिंता थी क्योंकि ये लोग उत्तर की ओर जा रहे थे जहां शायद इस खतरनाक बारिश का असर ना हो, मगर सेल्मा को नहीं लगता था कि वो पैदल ये सफर कर पाएंगे। फिर इस सफर को लेकर माइकल और एलिस योजना बना रहे थे कि दोनों के बीच बहस हो जाती है। माइकल भड़क जाता है और गुस्से में आकर एक ग्लास तोड़कर वहां से चला गया। आधी रात को दिखाया जाता है कि जब ये लोग सो रहे थे, छत पर कमजोर जगहों से पानी की टपकने की आवाज से इनकी नींद खुल जाती है, क्योंकि असल में तो वो पानी नहीं बल्कि एसिड है। सेल्मा को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो उस बिल्ली को ढूंढने लगी।
लेकिन उसे खून के निशान मिलते हैं जो उसे बेचारी बिल्ली के मृत शरीर तक ले जाते हैं। उसकी मौत उसी पानी से हुई थी जो माइकल ने इसे दिया था और ये देखकर सेल्मा को बहुत दुख होता है। परेशान होकर वो अपनी माँ के साथ सो जाती है। अगली सुबह ये परिवार फिर से सड़क पर अपना सफर शुरू करता है, मगर इस बार पैदल। अभी बारिश नहीं हो रही थी और बहुत से लोग भी पैदल थे। ये इस इलाके से कहीं दूर जा रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे ही भीड़ भी बढ़ रही थी। यहाँ से निकलने के लिए इन सभी लोगों को एक पुल पार करना होगा, मगर एसिड की वजह से वो पुल इतना कमजोर हो चुका है कि एक साथ उस पर ज्यादा लोग नहीं जा सकते। इसलिए मिलिट्री बारी बारी कुछ लोगों को जाने दे रही थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एलिस अपने परिवार से बिछड़ जाती है। इससे पहले कि वो पुल को पार कर पाते, पुल टूटने लगा। भगदड़ मच गई। एलिस बुरी तरह लोगों के बीच में फंस चुकी थी जिससे रेलिंग टूट गई। एलिस के साथ साथ कुछ और लोग भी पानी में गिर गए। पानी चूंकि सुरक्षित नहीं था, अब उसमें एसिड था, इसलिए एलिस उसमें तड़पने लगी। सेल्मा ये देख लेती है, वो अपनी माँ को बचाने के लिए भागती है, मगर देर हो चुकी थी। माइकल और सेल्मा के सामने ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे से दोनों ही बाप बेटी टूट जाते हैं। चूंकि अब लोग पुल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और खतरनाक बारिश आने का खतरा था, तो पुलिस और मिलिट्री वाले बाकी लोगों को सेरा के एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला करते हैं, जहां इन्हें एक जंगल से भी गुजरना था। सभी को मिलिट्री ट्रक्स में डाल दिया जाता है। रास्ते में ही मिलिट्री वालों को कुछ नए ऑर्डर्स मिलते हैं, जिसके बाद सभी लोगों को गाड़ियों से उतारा जाता है ताकि ये पैदल आगे जा सके। जंगल में ये कोना जाए, मिलिट्री वाले लाल धुएं का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि फिर से काले बादल आ गए थे और जल्द ही एसिड की बारिश शुरू होने वाली थी। लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगे। इस बीच माइकल और सेल्मा बाकी लोगों से बिछड़ जाते हैं क्योंकि सेल्मा बहुत कमजोर थी, थक गई थी, वो तेजी से नहीं भाग पा रही। इसलिए माइकल को उसे उठाकर सहारा देना पड़ता है। ये लोग बस भागे ही जा रहे थे और खुशकिस्मती से इन्हें एक सुरंग मिल गई। माइकल जल्दी से रास्ते को खोल देता है और दोनों तुरंत ही अंदर चले गए। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ तेजाबी पानी सुरंग के अंदर आने लगा। इन लोगों को तेजी से आगे बढ़ना था, मगर एक जगह माइकल गिर जाता है जिसकी वजह से वो जख्मी हुआ क्योंकि वहाँ एसिड था। कुछ घंटे बाद इन लोगों को सुरंग से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल गया और अब बारिश भी थम गई थी। माइकल मदद के लिए कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि सेल फोन की बैटरी डेड थी। दोनों घंटों तक चलते रहते हैं और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां घर थे, मगर वहां कोई इंसान नजर नहीं आता। इन्हें थकान और दर्द की वजह से माइकल जमीन पर गिर गया। तब सेल्मा सड़क के बीचों बीच मदद के लिए चिल्लाती है। जब माइकल उठता है तो वो खुद को एक घर में पाता है। ये घर असल में डॉर्थी नामी औरत का था। वो अपने बेटे के साथ यहाँ रहती थी। डॉर्थी ने पीने के लिए साफ पानी और पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है, मगर खाना देने से इनकार कर देती है क्योंकि उसके पास खुद के लिए खाना कम था। माइकल उससे जबरदस्ती नहीं करता, वो जल्द ही यहाँ से जाने वाले थे। सेल्मा जब घर में घूमती है तो वो देखती है कि घर के सभी कमरे, खासकर उनकी छत, अब कमजोर हो चुकी है और जल्द ही ये घर भी गिरने वाला था अगर फिर से बारिश हुई तो। सेल्मा एक मेडिकल मशीन देखती है जिस पर डॉर्थी बताती है कि ये उसके बेटे का है क्योंकि उसकी किडनीज खराब है और ये मशीन ही उसे जिंदा रख रही है। डॉर्थी चाहती थी कि माइकल उसकी मदद करे ताकि दोनों मिलकर इस भारी भरकम मशीन को बेसमेंट में ले जाए। खैर माइकल मदद करता है क्योंकि डॉर्थी के बेटे के लिए अब ये घर सुरक्षित नहीं था। गिरने का भी खतरा था और तेजाब की ये बदबू ये उसे मार देगी। मशीन को नीचे लाने पर वो उनका शुक्रिया अदा करती है, बल्कि उन्हें कुछ खाना भी देती है और ये भी कहती है कि अगर वो चाहे तो कुछ दिन यहाँ रुक सकते हैं। मगर माइकल जानता था कि यहाँ खतरा ज्यादा है, कोई भी नहीं बचने वाला क्योंकि लगातार दुनिया के इस हिस्से में तेजाबी बारिशें हो रही थी। ये सब सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा था बल्कि यूरोप के साथ साथ अब एशिया भी इसके चपेट में आ चुका था। फिर माइकल कुल्हाड़ी लेता है और पड़ोस के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से बारिश की संभावना थी इसलिए उसे वापस आना पड़ता है। एक खतरनाक तूफान आ चुका था जो आसपास के कमजोर घरों को तहस नहस कर रहा था और यही हाल डॉर्थी के घर का भी होने वाला था। डॉर्थी जानती थी कि घर टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो एक मुश्किल फैसला करती है। अपने बेटे के साथ बेसमेंट में सो जाती है और अपने अंत का
इंतजार करती है। सुरक्षा के लिए माइकल कमरे के बजाय गैराज में सोने की तैयारी कर रहा था। जल्द ही घर की छत टूटने और पिघलने लगी, खासकर पानी के नल पेंट दीवारों को खून की तरह रंग देता है और हीटर से भयानक धुआं निकलने लगा। घर के टूटने की आवाज से माइकल और सेल्मा जागते हैं। वो डॉर्थी और उसके बेटे को बचाना चाहते थे मगर देर हो चुकी थी और वैसे भी डॉर्थी ने खुद ही दरवाजा बंद कर दिया था। माइकल सेल्मा को दरवाजे से दूर खींचता है जबकि वो उस लड़के का नाम चिल्ला रही थी। वो इन लोगों को बचाना चाहती थी मगर अफसोस, माइकल उसे डॉर्थी की कार में धकेल देता है और फिर गैराज खोल कर भाग जाता है। बाहर घना अंधेरा था, सिर्फ गाड़ी की लाइट से उसका सहारा थे मगर तेजाबी बारिश ने कार के सिस्टम को खराब कर दिया था। वो तेज गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, कार बिजली से चलती थी और कंप्यूटर की आवाज लगातार सिस्टम के खराब होने की वार्निंग दे रहा था। ये कार खुद ही रुक जाती है। माइकल इसे फिर से शुरू करने के लिए कई बार स्टार्ट करता है और बिना किसी मंजिल के गाड़ी को आगे बढ़ाता है। बाद में ये लोग एक खुले मैदान में पहुंच गए जो कि इस एसिड से अब दलदल बन चुका था। माइकल कार रोक देता है। सेल्मा उससे कहती है कि वो रास्ता भटक चुका है। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई। माइकल सेल्मा पर चिल्लाता है। वो कार से उतर गया और जब वो पैदल आगे बढ़ रहा था उसे महसूस हुआ कि उसके जूते जल रहे हैं। वो वापस से कार में लौट आया मगर अब सेल्मा वहां नहीं थी, वो भाग चुकी थी और जलती हुई जमीन की वजह से वो काफी डर गई थी। खुद को बचाने के लिए उसे एक ट्रैक्टर मिल गया जिस पर वो चढ़ जाती है मगर वो जमीन में धंस रहा था। वहाँ परेशान माइकल अपनी बेटी को ढूंढ रहा था मगर गाड़ी कीचड़ में फंस गई, इसलिए उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। वो ठीक समय पर सेल्मा के पास पहुँच गया। वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर गाड़ी में वापस तो ले आता है। इसका मतलब कि एसिड की वजह से माइकल के पैर बुरी तरह से जल गए थे और अब वो बेहोश हो चुका था। अगली सुबह मिलिट्री के एक ट्रक इन्हें ढूंढ कर कैंप में ले आता है जहां माइकल का इलाज हुआ। असल में उसके पैर काटे गए। सेल्मा वहां के लोगों से अपने अंकल के बारे में पूछती है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से उनका कोई भी नहीं बचा था। इन बारिशों की वजह से करोड़ों लोग मारे गए थे। दुखी सेल्मा अपने पिता के पास आती है और उसके साथ बैठ जाती है। अभी के लिए वो उसे ये बुरी खबर नहीं देती कि उनका हर जानने वाला मर चुका है और यहीं पर इस फिल्म का होता है अंत।